अंकिता हत्याकांड पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। आरोपी के पिता और भाई पर एक्शन लिया जा चुका है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने विपक्ष को राजनीति ना करने की नसीहत दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उन्होंने अंकिता के परिवार से बात की है, साथ ही साथ रिजॉर्ट की फॉरेंसिक जांच भी कराई जाएगी। डी न्यूज के साथ खास बातचीत में उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं। अंकिता भंडारी जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, आज शव बरामद कर लिया गया है। इस मामले में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, साथ ही साथ आरोपी के पिता और भाई को पार्टी से निकाल दिया गया है। हालांकि लोगों का गुस्सा अभी भी भड़का हुआ है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। आरोपी के भाई की फैक्ट्री में आग लगा दी गई, साथ ही साथ बीजेपी के विधायक जो पहुंची थी उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। अंकिता मर्डर केस के बाद जहां एक और लोगों में पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। काफी गुस्सा है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार भी लगातार बड़े कदम उठा रही है। जहां एक ओर पुलकित आर्य सलाखों के पीछे है तो वहीं दूसरी ओर उसके पिता और भाई को बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया। अंकिता मर्डर में अब तक क्या कुछ हुआ है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। अंकिता हत्याकांड से जनता में आक्रोश। नेताओं के खिलाफ जनता का गुस्सा। एसआईटी जांच से होगा बड़ा खुलासा। आधी रात आरोपी के रिजॉर्ट पर बुलडोजर। सितंबर से गायब अंकिता भंडारी का शव आज सुबह चिल्ला नदी से बरामद हो गया है और शव की शिनाख्त अंकिता के परिजनों ने कर ली है। अंकिता के लापता होने के बाद से लोगों में आक्रोश तो था ही, लेकिन अंकिता का शव मिलने के बाद से लोग और उग्र हो गए हैं और उनके गुस्से की गवाह हैं ये तस्वीरें। गाड़ी के टूटे शीशे और गो बैक के लगते नारे। ये तस्वीर है ऋषिकेश एम्स के बाहर की। यहाँ यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट अंकिता के पोस्टमार्टम के बारे में जानकारी लेने पहुंची थी, लेकिन अंकिता की हत्या को लेकर गुस्साए लोगों ने रेणु बिष्ट की गाड़ी के शीशे तोड़ डाले और गो बैक के नारे लगाए। कुछ ऐसा ही राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल के साथ भी हुआ। कुसुम कंडवाल भी इसी केस से जुड़ी चीजों की जानकारी लेने के लिए ऋषिकेश एम्स पहुंची थी, लेकिन गुस्साई जनता ने उन्हें पोस्टमार्टम हाउस जाने से रोक दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें सुरक्षित एम्स से बाहर निकाला। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये आरोपी पुलकित आर्य की अचार फैक्ट्री है, जिसमें अंकिता की हत्या के विरोध में गुस्साए लोगों ने आग लगा दी। जनता के आक्रोश को देखते हुए सीएम धामी ने एसआईटी टीम का गठन किया है, जो इस मामले की तेजी से जांच करेगी। वहीं पुलकित आर्य के भाई अंकित आर्य को मुख्यमंत्री ने ओबीसी आयोग उपाध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया है। सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसको लेकर हमने डीआईजी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है, जो पूरे मामले की तह तक जाएगी, उसकी जांच करेगी और अपराधियों को सजा दिलाने का काम करेगी। चाहे कोई भी हो, अपराधी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि पुलिस ने इस मामले में वर्कआउट कर लिया है और उनकी पूरी कोशिश आरोपियों के खिलाफ जल्द ही चार्जशीट दाखिल करने की है। हमने जो पी रेणुका देवी हमारे डीआईजी हैं, उनके अध्यक्षता में एसआईटी टीम गठित कर दी है और आगे की जो है विवेचना निष्पक्षता से होगी और हमारा पूरा प्रयास होगा कि विवेचना गहराई से हो और
जो है जल्द से जल्द इसमें ट्रायल हो और दोषियों को कठोरतम सजा दिलाई जा सके। प्रशासन ने आरोपी पुलकित आर्य पर बड़ी कार्रवाई करते हुए आधी रात को उसके मनंत्रा रिजॉर्ट को जमींदोज कर दिया। इसी रिजॉर्ट से 5 दिन पहले 19 साल की अंकिता भंडारी लापता हो गई थी। पुलिस इस मर्डर केस में पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और सौरभ को गिरफ्तार कर चुकी है। शुक्रवार को इन आरोपियों को ले जा रही पुलिस वैन को लोगों ने घेर लिया। पुलिस वैन में तोड़फोड़ की गई, आरोपियों के कपड़े तक फाड़ डाले। किसी तरह पुलिस ने लोगों को रोका। आरोपियों के खिलाफ धारा 302 और 201 के तहत केस दर्ज किया गया है। 18 सितंबर की शाम वो रिजॉर्ट से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। इस बात की जानकारी जब परिवार वालों को लगी तो उन्होंने अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन इस बीच कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद डीएम पौड़ी के हस्तक्षेप के बाद मामला राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस को स्थानांतरित किया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रिजॉर्ट के मालिक पुलकित समेत 2 अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और सौरभ ने हत्या की है। अंकिता को इन तीनों ने रिजॉर्ट से कुछ दूर चिल्ला शक्ति नहर में फेंक दिया था, जिसके बाद नहर में तलाशी के दौरान अंकिता का शव बरामद हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संवाददाता राजू राज हमारे साथ ऋषिकेश एम्स से जुड़ चुके हैं। राजू, इस मामले में शव बरामद हो चुका है, लेकिन लोगों का गुस्सा अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि सरकार की ओर से भरोसा दिलाया जा रहा है कि पूरी कार्रवाई की जा रही है। और क्या अपडेट है आपके पास? चंदन, बता दूं कि एक डॉक्टरों की पैनल में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और साथ ही उसका वीडियोग्राफी कराया जा रहा है, लेकिन तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। एम्स अस्पताल है जो ऋषिकेश में, वहाँ की तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोगों की नाराजगी यहाँ पर नजर आएगा। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए, और ये तस्वीरें देखिए काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि अब इस पूरे मामले की जांच SIT से नहीं बल्कि CBI से करानी चाहिए सरकार को, और सारे तथ्य सामने आए। तमाम लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, और ये अंकिता के ताऊ जी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, अब कब तक पोस्टमार्टम हो जाएगा और अब क्या मांग है आप लोगों की? हम तो ये सोच रहे हैं कि पोस्टमार्टम इतनी देर क्यों हो गई? अच्छा, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, 3-4 घंटे हो गए शायद उस समय से, और अभी तक हमको जो है बॉडी नहीं मिली। अच्छा, SIT जांच के आदेश दे दिए गए हैं, और उसके बाद आप लोग क्या डिमांड? डिमांड हमारी ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमको जो है बॉडी यहीं रखनी चाहिए और सो यहाँ से निकलना चाहिए। अच्छा, क्योंकि इस समय बहुत टाइम हो गया है और सूर्य अस्त होने से पहले हमको वो करनी चाहिए, अर्थी समापन करनी चाहिए। मतलब लोगों में नाराजगी भी है, आप परिवार के साथ हैं, परिवार के सदस्य हैं, अब क्या डिमांड है आप लोगों की? डिमांड अभी तो फिलहाल के लिए डिमांड ये है कि मॉर्निंग में ही हम उसका दाह संस्कार करेंगे, क्योंकि 6 बजे से हमारे यहाँ पे 6 बजे के बाद नहीं होते हैं। अभी जो इनका पैतृक गांव है, माँ ने बेटी को देखा नहीं है, वहाँ ले जाएंगे तो आज तो पॉसिबल नहीं है। बरसात है, रोड ख़राब हो सकती है, ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो फिलहाल के लिए हम नहीं चाहेंगे कि आज बॉडी उठाएं। प्रशासन अभी एम्बुलेंस लेके आई थी, शायद हो ना हो ये हाथरस का। बहुत शुक्रिया राजू इस पूरी जानकारी। PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।